Hey guys, this is me, Avta Zaki. Welcome back to my channel. So this video is about is not about like I'm studying or anything. It's about so first of all, video shuru karne se pehle, I would like to thank all of you guys जिसने मेरे को इतना ज़्यादा उस पर like I have got like so much love on that video, the one जिसमें मैंने कलर किया था अपने बालों को, कौन सा कलर है वो, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज. सो आई एम गेटिंग सो मैनी क्वेश्चन, सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग दैट, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एंड कमेंट पे रिप्लाई मैंने किया है सब पे, बट आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑफ इट. सो बेसिक क्वेश्चन लाइक आई हैव आई थिंक 5 to 7 क्वेश्चन विच आई थिंक आई एम गोना आंसर यू एंड of course I can share my review because it's already been a month and you can see my hair. बाल थोड़े मतलब अभी एक महीना हो गया है बालों को कलर करे, मैंने एक महीने पहले आज से अप्रॉक्सीमेटली एक महीना पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करी है उसी दिन मैंने कलर किया था अपने बालों में, मतलब उस दिन या उससे एक दिन पहले मैंने कलर किया होगा अपने बालों में. तो अभी तब से लेके अब तक फेड होना शुरू हो गए फ्रॉम टिप्स, अभी यहाँ पे हैं बट यहाँ पे फेड होना शुरू हो गया. मुझे नहीं पता कैमरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ से फेड होना शुरू हो चुके हैं. तो बट मैं अपने बाल धोती भी बहुत हूँ, मतलब मैं अगर एक बार शैम्पू करी हूँ तो उस एक बार में मैं दो बार शैम्पू करती हूँ. इट्स लाइक आई वॉश ट्वाइस एट अ टाइम. ओके, सो मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि कितने दिन में ये कलर चला गया, तो मैं उस टाइम पे नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कितने दिन में कलर जाएगा. तो ये कलर अब मैं बता सकती हूँ कि ये एक महीना तो टिका ही टिका और अभी भी यहाँ पे तो है एज इट इज, यहाँ से जाना शुरू हो चुका है, यहाँ से मतलब फेड हो गया. बट अब ये भी कह सकते हैं कि मैं इन बालों को लेके मैंने डुबकियाँ मारी थी वाटरफॉल के नीचे, मैं स्विमिंग पूल में. और मैंने बहुत वॉश किया है अपने बाल, तो ये भी हो सकता है. बट इट्स बिन अ मंथ नाउ बट आई स्टिल हैव कलर हेयर, यहाँ से फेड होना शुरू हो चुका है. नेक्स्ट पीपल आस्क मी कि कितनी क्वांटिटी हम यूज़ करें अपने बालों में. सो मेरे बाल में मैंने जो वो एक 999 का या 695 समथिंग, मैं बताऊंगी कितने का, 695 का आई थिंक वो मेरा पैक था, वो पूरा पैक मैंने अपने बालों में लगा लिया था क्योंकि मुझे यहाँ से लेके मैंने पूरे अपने पूरी वॉल्यूम में करा था और मेरी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लाइक बहुत कम बाल हैं मेरे, यहाँ पे तो कम है, पीछे हैं थोड़े ज़्यादा. मेरे बालों की लेंथ पे आई यूज लाइक वन पैक एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. देन शैम्पू कलर धुलने के लिए शैम्पू यूज़ करना है कि नहीं करना है, तो लेट मी टेल यू, जब मैंने कलर किया था और उसको जब धोया था तो मैंने उनका वो पढ़ा जो स्टेप्स होते हैं, जो पैम्फलेट में जो उनके स्टेप्स आए थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि यूज़ कंडीशनर आफ्टर दिस, तो मैंने शैम्पू किया ही नहीं. तो बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ, बट क्योंकि शैम्पू नहीं किया उस वजह से मेरे, मैंने क्या किया, मैंने कलर किया, मैंने उसको धुल दिया पानी से, लाइक आई जस्ट रिंस इट ऑफ, और फिर उसके बाद मैंने कंडीशनर कर लिया डायरेक्ट, मैंने शैम्पू किया ही नहीं. बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो स्कैल्प पे जो रह गया था कलर, वो तो शैम्पू से ही हटा, तो दो दिन बाद जब मैंने शैम्पू किया तब वो स्कैल्प से कलर हट गया. तो दैट मीन्स यू हैव टू डू लाइक यू हैव टू यूज शैम्पू, रिंस कर लो और उसके बाद शैम्पू करो फिर कंडीशनर करो. बट मैंने नहीं किया था. फिर उसके बाद पीपल हैव आस्क्ड मी ओरिजिनल कलर वापस आ जाएगा या नहीं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरा ओरिजिनल कलर वापस आ जाए. अभी तक फेड होना शुरू हुआ है, आई एम श्योर आ जाएगा. सी इफ यू कैन सी, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ चुका है, मतलब फेड हो रहा है वो, और आई थिंक ये हो जाएगा और आ जाएगा, तो आई एम नॉट श्योर, जब ये आ जाएगा देन आई विल टेल यू गाइज. उसके बाद पीपल हैव आस्क्ड मी कि वर्जिन हेयर पे आपका चढ़ेगा कलर या नहीं चढ़ेगा, मेरे वर्जिन हेयर थे क्योंकि ओरिजिनली मतलब मेरे बिल्कुल नई ग्रोथ हुई हुई थी और मतलब मेरे बाल एकदम ब्लैक थे, तो उस पर कलर आ गया था, तो मतलब कोई इशू नहीं है, वर्जिन हेयर पे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा. ब्लीच नहीं थी इसमें क्योंकि ब्लीच होती उस
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट कि आपकी क्वालिटी बालों की खराब हो जाएगी या नहीं। मेरे बालों की क्वालिटी बिल्कुल खराब नहीं हुई, मेरे बालों की क्वालिटी जैसी थी वैसी ही रही। तो ब्लीच होती है तो 100% खराब हो जाती है क्योंकि वो पतले हो जाते हैं एंड देन वो उलझने लगते हैं और फिर वो वही सारी चीज़ें, बट बालों की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं है। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस दैट पीपल वर आस्किंग मी एंड आई एम लविंग दैट, क्योंकि जो बहुत मज़ा आ रहा था लाइक इंटरेक्ट करने में सबसे। एंड आई होप यू गाइज कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड आई लव यू गाइज, बाय।